नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। आरटीई एक्ट पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। स्कूलों में समान पाठ्यक्रम की मांग पर लगाई गई थी याचिका। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को लेकर भी पहुंची थी शिकायत। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की मान्यता से जुड़ी एनएएसी की नई गाइडलाइंस जारी। कॉलेजों के लिए अस्थायी मान्यता देने की व्यवस्था करती हैं नई गाइडलाइंस। देश में मान्यता प्राप्त कॉलेजों की तादाद बढ़ाना है मकसद। दो दिवसीय भारत दौरे पर रहे ऑस्ट्रेलिया के मंत्री डान तेहन। दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हुए दस्तखत। साल के आखिर में सीईसीए अग्रीमेंट पर भी पहुंच सकते हैं दोनों देश। सूर्य के अध्ययन के लिए जल्द ही दो नए मिशन भेजेगा नासा। सूर्य के कोरोना पर शोध करेगा म्यूज मिशन, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले उतार चढ़ाव पर नजर रखेगा हेलियो स्वार्म मिशन। और विशाखापत्तनम स्थित एरामती द्वीप बालू को बचाने की कवायद शुरू। देश के 34 राष्ट्रीय धरोहर वाली जियोलॉजिकल साइट्स में एक है एरामती द्वीप बालू। धरती पर हुई लाखों साल पुरानी हलचलों को बताती है यह जगह। चलिए खबरों की शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कुछ धाराओं को तर्कहीन मानने वाली और पूरे देश में बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। साथ ही अदालत ने देश में समान पाठ्यक्रम की मांग से जुड़ी किसी याचिका को न सुनने की बात भी कही है। याचिका में कहा गया था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कुछ धाराएं भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 ए, 46 आदि से मेल नहीं खाती। इसके अलावा ये धाराएं मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षिक उत्कृष्टता प्रदान करने से वंचित करती हैं। दरअसल इस कानून की कुछ धाराएं संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन हैं, जिसके चलते यह अधिनियम मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता। याचिका में इस बात का भी जिक्र था कि वर्तमान व्यवस्था सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का समान अवसर प्रदान नहीं करती, क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अलग अलग होता है, जबकि प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और राज्य इस महत्वपूर्ण अधिकार के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता। लिहाजा सरकार को सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान गुणवत्ता और समान पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। गौरतलब है कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन से बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। इसी मूल अधिकार के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लाया गया। इसका मकसद 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देना है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में ड्रोन के आयात संबंधी नए नियम जारी किए। इन नियमों में विदेशों से किसी भी प्रकार के ड्रोन के आयात पर रोक लगाई गई है। हालांकि कुछ अपवादों जैसे प्रतिरक्षा, अनुसंधान और शोध के लिए उचित मंजूरी मिलने पर ड्रोन का आयात किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी सामान या ड्रोन के घटकों के आयात पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सरकार ने देश में ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से ये कदम उठाया है। सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को विदेश व्यापार महानिदेशालय से मंजूरी मिलने के बाद ही ड्रोन आयात की अनुमति दी जाएगी, लेकिन किसी व्यक्ति या संस्था को ड्रोन घटकों के आयात के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। यह आयात प्रतिबंध देश में ड्रोन विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का अनुसरण करता है। सरकार द्वारा इस योजना को 120 करोड़ रुपए बजट के साथ 3 वित्तीय वर्षों के लिए शुरू किया गया है। सरकार का मानना है कि यह योजना वर्ष 2024 तक भारत के ड्रोन निर्माण क्षेत्र में 10,000 रोजगारों का सृजन करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त 2021 में नए ड्रोन नियम अधिसूचित किए गए थे। इनके द्वारा ड्रोन संचालित करने के लिए आवश्यक शर्तों और शुल्क दोनों को कम कर दिया गया था। इन उदारीकृत ड्रोन नियमों का मकसद अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और भारत को ड्रोन हब के रूप में विकसित करना है। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इस्तेमाल को लेकर मंथन चल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई याचिकाएं दायर हुई हैं जिनमें पीएमएलए के दुरुपयोग की शिकायत की गई है।
शिकायत है कि पीएमएलए और प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल उनके काम से हटकर और भी मामलों में हो रहा है। एक याचिका में शिकायत की गई है कि पीएमएलए का उपयोग अब साधारण अपराधों और छापा मारने में भी किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि 2002 के इस कानून को 2005 में लागू किया गया था। इस कानून का मकसद न केवल देश में मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों बल्कि उसमें इस्तेमाल हुए संसाधनों पर भी रोक लगाना है। इसी के साथ यह कानून मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई संपत्ति को कुर्क करने की शक्ति भी सरकार को देता है। सरकार की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय इस कानून को लागू करने का काम करता है। भारत में इस कानून को लाने की वजह है कि भारत पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन से जुड़े यूएन के 1990 के प्रस्ताव को भी मानता है। इसके अलावा 1988 के वियना कन्वेंशन से भी भारत जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग को आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अवैध कामों से हासिल पैसे यानी डर्टी मनी को प्रोसेस कर किसी कानूनी स्रोत में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डर्टी मनी को वैध बनाने के काम को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग से हासिल धनराशि को किसी कानूनी सोर्स के रास्ते वैध धनराशि में बदल दिया जाता है। आमतौर पर इसके लिए बैंकिंग सिस्टम, कंपनी में इन्वेस्टमेंट आदि का सहारा लिया जाता है। आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन पेमेंट सेवाओं और पीयर टू पीयर ट्रांसफर ने मनी लॉन्ड्रिंग का काम और आसान कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगले 5 सालों में लगभग 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। यह योजना देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा पुलिस को आधुनिक तकनीकों से लैस करने का प्रावधान करती है। योजना के तहत देश में एक मजबूत फॉरेंसिक सिस्टम का विकास भी किया जाएगा ताकि नशीले पदार्थों के नियंत्रण और आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में राज्यों को मदद दी जा सके। योजना के तहत जम्मू कश्मीर, उग्रवाद से प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। असल में माओवादियों का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना से वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में कमी आई है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वामपंथी उग्रवाद से संबंधित 6 और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना भी शामिल है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन के लिए 350 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत राज्य सूची का विषय है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना 1960 के दशक में शुरू हुई थी। इसमें आधुनिक हथियारों की खरीद, पुलिस बलों की गतिशीलता, लॉजिस्टिक समर्थन आदि की परिकल्पना की गई थी। इसी क्रम में पुलिस सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों जैसे रिबेरो समिति, पद्मनाभैया समिति, मलिमत समिति आदि का गठन भी किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक प्रकाश सिंह मामले में पुलिस सुधारों से संबंधित 7 निर्देश दिए थे। हर राज्य में एक सुरक्षा परिषद का गठन, डीजीपी व अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल 2 साल तक सुनिश्चित करना, आपराधिक जांच एवं पुलिस शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन आदि इनमें प्रमुख हैं। NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने हाल ही में सर्टिफिकेशन के संबंधी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को अल्पकालिक प्रमाणन देने और NAAC प्रमाणन का दायरा बढ़ाने से जुड़े हैं। दरअसल इससे पहले तक केवल वे उच्च शिक्षण संस्थान ही NAAC सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते थे जो कम से कम 6 वर्ष पुराने हैं या जहाँ से छात्रों के कम से कम 2 बैच ने स्नातक किया हो। इन मानदंडों के चलते देश के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में से कुछ ही को NAAC मान्यता मिली। लेकिन अब नई गाइडलाइंस में कॉलेजों के लिए प्रोविजनल प्रमाणन या अस्थायी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत वे कॉलेज और विश्वविद्यालय जिन्होंने एक शैक्षणिक वर्ष पूरा कर लिया है वे भी अस्थायी सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले संस्थानों की जाँच मात्रात्मक और गुणात्मक फ्रेमवर्क के आधार पर की जाएगी। मात्रात्मक फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों की जांच छात्र शिक्षक अनुपात, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आदि के आधार पर की जाएगी, जबकि गुणात्मक फ्रेमवर्क में संस्थानों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि वे शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग और छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन कैसे करते हैं। दरअसल यह अस्थायी सर्टिफिकेशन NAAC मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थानों की तैयारी का पता लगाएगा। साथ ही अस्थायी सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों को उन क्षेत्रों के बारे में फीडबैक भी दिया जाएगा जिन पर उन्हें और काम करने की जरूरत है।
गौरतलब है कि यह अस्थायी सर्टिफिकेशन 2 साल के लिए वैध होगा और संस्थान इसे 2 बार से अधिक नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें, एनएएसी की स्थापना वर्ष 1994 में यूजीसी की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन, उनकी शासन संरचना, शिक्षण प्रणाली, अनुसंधान कार्यों, बुनियादी ढांचे जैसे कई मापदंडों पर करता है। इन मापदंडों के आधार पर यह संस्थानों को A++ से C तक के ग्रेड देता है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया जाता है, इसका मतलब है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डान तेहन भारत दौरे पर रहे। इस दरमियान दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को लेकर अलग अलग मुद्दों पर रजामंदी हुई है। फिलहाल इस दौरे पर अंतरिम व्यापार समझौता ही हुआ है, जिसे इस साल के आखिर में पूरा किए जाने की उम्मीद है। इस समझौते में फिलहाल उन चीजों को छोड़ दिया गया है जिनसे दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। मिसाल के लिए, भारत में डेयरी, कृषि उत्पादों और बीफ का आयात हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। दौरे में बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि दोनों देश इस साल के आखिर में CECA यानी कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगे। CECA किन्हीं दो देशों के बीच ट्रेड टैरिफ से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का एक बड़ा जरिया है। CECA CEPA यानी कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से कुछ अलग है। CECA में जहां केवल गिनी चुनी वस्तुओं और टैरिफ रेट कोटा वस्तुओं पर टैरिफ को कम किया जाता है, वहीं CEPA में टैरिफ को कम करने के मामले में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं और निवेश को भी रखा जाता है। सिंगापुर के साथ भारत का CECA अग्रीमेंट है। CECA को अमली जामा पहनाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक में अर्ली हार्वेस्ट स्कीम पर भी बात हुई। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम दो देशों के बीच FTA, CECA और CEPA से पहले की स्थिति है। इसके तहत दो देश उन आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं जिन पर टैरिफ व्यवस्था में कुछ ढील दी जानी है। ग्लोबल स्टार्ट व्यू नामक एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के मुताबिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी गतिविधियों के बढ़ने से यह क्षेत्र गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बनाए जा रहे कृत्रिम द्वीपों के कारण इस क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षरण बढ़ा है, जिसके चलते हिंद प्रशांत क्षेत्र की समुद्री जैव विविधता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा कृत्रिम द्वीपों के निर्माण और सैन्यीकरण के लिए चीनी जहाजों की आवाजाही से इस क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण भी बढ़ा है। चीन की इन गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में मछलियों के स्टॉक में भी भारी गिरावट आई है। इसके चलते कई मछुआरों और तटीय लोगों की आजीविका को खतरा हो गया है। कई मछुआरों ने मछली पकड़ना छोड़ दिया है और वे लुप्त प्राय प्रजातियों जैसे विशाल क्लैम और समुद्री कछुओं का अवैध शिकार करने लगे हैं। मछलियों के स्टॉक में आई गिरावट और इसकी मांग के कारण इस क्षेत्र के कई देशों के बीच राजनीतिक तनाव भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के दौरान की जाने वाली तलकर्षण यानी ड्रेजिंग प्रक्रिया के कारण प्रवाल भित्तियों का भी विनाश हुआ है। आपको बता दें, ड्रेजिंग प्रक्रिया के दौरान जल निकायों जैसे समुद्र, झील, नदियों आदि के तल से तलछट और मलबे को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रवाल भित्तियों के सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ समुद्री आवास को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही समुद्री जल में तलछट की अधिक सांद्रता सूर्य के प्रकाश को भी रोक देती है, जिससे समुद्र के भीतर प्रवालों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि चीन द्वारा इन कृत्रिम द्वीपों का निर्माण 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि यानी अंक्लॉस का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि चीन इस संधि का एक हस्ताक्षर करता है, इसके बावजूद अन्य देशों की चिंताओं को दरकिनार करते हुए चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों में लगा है। गौरतलब है कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। यह समझौता समुद्री संसाधनों के प्रयोग के लिए नियमों का प्रावधान करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस कानून का निर्माण 1982 में हुआ और 1994 में इसे लागू किया गया था। भारत ने इस संधि को वर्ष 1995 में अपनाया था। हाल ही में स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत छोड़े गए लगभग 40 उपग्रह भू चुंबकीय तूफान या जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की चपेट में आने से नष्ट हो गए। इसके चलते ये उपग्रह अपने निर्धारित ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए। इन उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट से 3 फरवरी को प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन उसके अगले दिन ही ये उपग्रह भूचुंबकीय तूफान के प्रभाव में आ गए। हालांकि पृथ्वी के वातावरण में वापस लौटने पर पूरी तरह से नष्ट होने के कारण इनसे किसी प्रकार का अंतरिक्ष कचरा उत्पन्न नहीं हुआ। गौरतलब है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट एलन मस्क की एक कंपनी स्पेसएक्स की परियोजना है। इसका मकसद उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना करना है। इसके तहत उपग्रहों के एक समूह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाना है,
ताकि पृथ्वी के हर कोने में उच्च गति वाला इंटरनेट उपलब्ध हो सके। भूचुंबकीय तूफान या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में आए परिवर्तन का नतीजा है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सोलर फ्लेयर के कारण पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में ऊर्जा का पर्याप्त आदान प्रदान होता है। इन सोलर फ्लेयर या सौर तूफान के कारण पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा और इसके वातावरण में बड़े बदलाव होते हैं। ये सौर तूफान जीपीएस, रेडियो और उपग्रह संचार जैसी अंतरिक्ष निर्भर सेवाओं में भी बाधा डालते हैं। दरअसल सौर फ्लेयर या तूफान सूर्य की सतह से तेज गति से निकलने वाले चुंबकीय प्लाज्मा विकिरण होते हैं। इनकी उत्पत्ति सन स्पॉट्स से चुंबकीय ऊर्जा के निकलने के दौरान होती है। इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप आने वाले सबसे बड़े सौर तूफानों को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इसके तहत सूर्य से लगभग 1 अरब टन प्लाज्मा सौर पवनों के साथ पृथ्वी पर आता है। गौरतलब है कि कोरोनल मास इजेक्शन से तात्पर्य सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना से निकलने वाले प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड से है। आपको बता दें कि सन स्पॉट्स सूर्य की सतह पर स्थित ऐसे डार्क एरिया होते हैं जिनका तापमान आसपास के फोटोस्फीयर की तुलना में कम होता है। इसके अलावा मैग्नेटोस्फीयर हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जो पृथ्वी को हानिकारक सौर एवं ब्रह्मांडीय विकिरणों से बचाता है। साथ ही यह पृथ्वी को सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर से भी बचाता है। उधर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य की गतिशीलता और अंतरिक्ष वातावरण में लगातार हो रहे बदलावों को समझने के लिए 2 नए मिशन भेजने की घोषणा की है। ये मिशन है MUSE यानी मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर मिशन और हेलियो स्वार्म मिशन। ये दोनों मिशन सूर्य और पृथ्वी के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ छिपे ब्रह्मांडीय रहस्यों को भी जानने में मदद करेंगे। साथ ही ये अंतरिक्ष यात्रियों, उपग्रहों तथा GPS जैसे संचार संकेतों की सुरक्षा के लिए जरूरी सूचना भी साझा करेंगे। आपको बता दें कि MUSE यानी मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर मिशन सूर्य के कोरोना, जो कि सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, उसके गर्म होने और इस क्षेत्र में होने वाले सौर विस्फोटों के कारणों का पता लगाएगा। यह मिशन सूर्य के कोरोना के बुनियादी प्लाज्मा गुणों के साथ साथ सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन संबंधी रिसर्च भी करेगा। साथ ही इस मिशन में एक मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा यह सूर्य के कोरोना और उसके आसपास के संक्रमण क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें भी भेजेगा। वहीं हेलियो स्वार्म मिशन का मुख्य उद्देश्य चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले उतार चढ़ाव तथा सौर पवनों या सोलर फ्लेयर्स की गति का पता लगाना है। साथ ही यह मिशन सौर पवनों के क्रमिक विकास की जानकारी प्रदान करेगा। इस मिशन से वैज्ञानिकों को सौर पवन के हलचलों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। चूंकि सौर पवन हलचलों का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न बिंदुओं से एक साथ प्लाज्मा माप की जरूरत होती है, इसलिए हेलियो स्वार्म मिशन में दूर दूर स्थित 9 अंतरिक्षयान एक समूह के रूप में होंगे, जिसमें एक हब अंतरिक्षयान और इसकी परिक्रमा करने वाले 8 छोटे उपग्रह यान शामिल हैं। यह हब अंतरिक्षयान प्रत्येक छोटे उपग्रह के साथ अपना रेडियो संपर्क बनाए रखेगा। विशाखापत्तनम के पास मौजूद एरामत्ती दिब्बालू के प्रिजर्वेशन के लिए वहां के आम लोगों में एकजुटता देखी जा रही है। इस साइट के संरक्षण के लिए लोगों ने सफाई अभियान शुरू किया है। एरामत्ती दिब्बालू आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से भीमुनीपत्तनम तक फैली एक जियोलॉजिकल साइट है। यह भारत की उन 34 जगहों में है जिन्हें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट घोषित किया है। एरामत्ती दिब्बालू लाल रंग के कुछ दुर्लभ रेतीले टीले हैं जिनसे लाखों साल पुरानी जियोलॉजिकल प्रोसेस का पता चलता है। तट से लगे इन लाल टीलों की चौड़ाई 200 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर के बीच है। एक अनुमान के मुताबिक टेक्टोनिक नजरिए से यह साइट आज से लगभग 2.5 मिलियन से लेकर 11,000 साल पहले सक्रिय रही होगी। यहाँ लाल टीले ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, सी लेवल चेंज और मानसून में बदलावों को दिखाते हैं। साथ ही यह भी अनुमान है कि ये टीले पूर्वी घाट की खोंडोलाइट चट्टानों से बने हैं। एरामत्ती दिब्बालू के अलावा इसी तरह की 2 और साइट्स तमिलनाडु की टेरी सैंड्स और श्रीलंका के रेड कोस्टल सैंड्स में भी दिखती हैं। इस तरह की साइट्स को बचाने के लिए GSI एरामत्ती दिब्बालू को मंगामारीपेटा, विशाखापत्तनम की ही ओल्ड बोर्रा केव्स और अराकू के वोल्केनिक ऐश डिपॉजिट्स से जोड़कर जियो पार्क बनाना चाहता है। भारत की कुछ जानी मानी नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स में शामिल कुछ साइट्स इस तरह हैं। केरल की अंगादीपुरम लेटराइट और वर्कला क्लिफ सेक्शन, तमिलनाडु का नेशनल फॉसिल वुड पार्क सेंट थॉमस चर्कोनाइट, राजस्थान के बार कांग्लोमेरेट, महाराष्ट्र की लोनार झील, हिमाचल प्रदेश का शिवालिक फॉसिल पार्क, राजस्थान का रामगढ़ क्रेटर,
कर्नाटक में पिलो लिवास और लालबाग का पेनिनसुलर नीस इत्यादि। स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूती के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने यूएसएड के साथ एक समझौता किया है। यूएसएड का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अटल इनोवेशन मिशन और यूएसएड के बीच यह करार समृद्ध पहल के तहत हुआ है। इसके तहत दोनों मिलकर टीयर 2 टीयर 3 शहरों, ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। टीयर 3 शहर से मतलब ऐसे शहर से है जिनकी आबादी 20,000 से 49,999 तक होती है, जबकि 50,000 से 99,999 तक की आबादी वाले शहरों को टीयर 2 शहर कहा जाता है। समृद्ध पहल की शुरुआत 2020 में भारत सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर की थी। समृद्ध का पूरा नाम है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, यानी यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर ध्यान देती है। समृद्ध का मकसद एक ऐसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी की व्यवस्था करना है जिससे सार्वजनिक और जनहित से संबंधित पैसे को वाणिज्यिक पूंजी से जोड़ा जा सके। इससे स्वास्थ्य के मामले में बाजार आधारित सुविधाओं को पहुंचाने में तेजी आएगी। समृद्ध इनिशिएटिव में जिस तरह की फाइनेंस फैसिलिटी है वह एक तरीके से ब्लेंडेड फाइनेंसिंग है। ब्लेंडेड फाइनेंस फाइनेंसिंग का एक ऐसा अप्रोच है जिसमें पब्लिक फंड और लोकहित में लगने वाले पैसे, मसलन अनुदान आदि का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करने में होता है। इससे सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, समृद्ध पहल की शुरुआत 2019 में भारत सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर की थी। दो, इसके तहत टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 शहरों तथा ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC की स्थापना वर्ष 1994 में UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। कथन दो, NAAC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग आदि से हासिल धनराशि को किसी कानूनी सोर्स के रास्ते वैध धनराशि में बदल देना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। दो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को 2002 में लागू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। दो, संविधान का अनुच्छेद 30 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। पांचवा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर मिशन में सूर्य के कोरोना के गर्म होने और इस क्षेत्र में होने वाले सौर विस्फोटों के कारणों का पता लगाया जाएगा। दो, हेलियोसॉम मिशन का मुख्य उद्देश्य चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले उतार चढ़ाव तथा सौर पवनों या सोलर फ्लेयर्स के क्रमिक विकास का पता लगाना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtihas.com पर। साथ ही दृष्टिहास के हिंदी, अंग्रेजी और PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर।
हालिया प्रकाशित शोध में बताया गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। इस शोध में यह बात भी सामने आई है कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा इसकी कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और कम होती जाएगी। बता दें कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यदि पेड़ पौधों द्वारा श्वसन के माध्यम से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड उनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से अधिक हो जाती है तो वे कार्बन एमिटर बन जाते हैं। गौरतलब है कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। इस पार्क को वर्ष 1974 में नेशनल पार्क और वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। झारखंड के कई हिस्सों में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल किए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किए जाने को लेकर किए जा रहे हैं। दरअसल पिछले साल झारखंड कार्मिक प्रशासनिक सुधार आयोग और राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना ने विशेष रूप से बोकारो और धनबाद में लोगों के एक वर्ग में नाराजगी पैदा कर दी क्योंकि ये लोग इन भाषाओं को शामिल किए जाने को राज्य के आदिवासियों और मूल निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 3 प्रवासी गिद्धों को रेडियो टैग किया गया है। इनमें 2 यूरेशियन ग्रिफान और 1 हिमालयन ग्रिफिन शामिल है। दरअसल भारतीय वन्यजीव संस्थान की मदद से दिसंबर 2020 से चल रही परियोजना के तहत कुल 25 गिद्धों को रेडियो टैग किया जाना है। इस परियोजना के पीछे मुख्य उद्देश्य गिद्धों के प्रवासी पैटर्न और यात्रा पथ के बारे में पता लगाना है। बता दें कि पन्ना टाइगर उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में पन्ना और छतरपुर जिले में हुई थी। हाल ही में संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग कार्यशाला परामर्श 2022 का शुभारंभ किया है। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बीकानेर जिले के 1,00,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। यह कार्यशाला छात्रों को अपने भविष्य के लिए उचित निर्णय लेने में मदद करेगी। इस कार्यशाला को श्रम और रोजगार मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज और शैक्षिक स्टार्टअप एड्यू माइलस्टोन्स के सहयोग से आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि भारत में पहली बार किसी कार्यशाला में 1,00,000 से ज्यादा छात्रों ने करियर काउंसलिंग ली है। भारत ने श्रीलंका द्वारा आधार कार्ड की तर्ज पर बनाए जा रहे एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर अपनी सहमति दे दी है। गौरतलब है कि यह पहल दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के अनुरूप है। इस प्रस्तावित एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क के तहत बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित व्यक्तिगत पहचान वेरिफिकेशन डिवाइस और साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान के लिए एक डिजिटल टूल प्रस्तुत किया जाएगा। इन दोनों की मदद से किसी व्यक्ति की पहचान का डिजिटली और फिजिकली वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने सिंगापुर एयर शो 2022 में अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन किया है। इस साल इस द्विवार्षिक एयर शो का आयोजन 15 से 18 फरवरी के बीच किया गया। बता दें कि यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और यह अग्रणी एरोस्पेस कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा बाजार में अपनी पहचान बनाने का अवसर देता है। बता दें कि तेजस एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जिसे विमान विकास एजेंसी तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह सबसे हल्के वजन और एकल इंजन युक्त बहु भूमिका निभाने वाला एक सामरिक लड़ाकू विमान है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस वर्ष फरवरी से मई के बीच लगभग 20 देशों में गंभीर खाद्य असुरक्षा का संकट देखने को मिल सकता है। इथियोपिया, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन में खाद्य असुरक्षा की स्थिति और भी भयंकर हो सकती है। दरअसल कोविड-19 महामारी, आर्थिक मंदी, चरम मौसमी घटनाएं, पशुओं और पौधों के कीट तथा रोगाणु आदि इस खाद्य असुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक हैं। खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इस आबादी के जीवन और आजीविका को जोखिम से बचाने के लिए इन स्थानों पर तत्काल और लक्षित मानवीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो।
लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।